रुकन कौमी असेंबली मियां मोहम्मद फारूक ने नया मुआना फीडर, समुद्री रोड फीडर और दसोहा फीडर का इफ्तिताह किया। दो माह में मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे पर 1,60,00,000 की लागत आई है। रुकन कौमी असेंबली मियां मोहम्मद फारूक का कहना था कि इन फीडर्स के बनने से लोड में कमी की शिकायत का खात्मा होगा। ये एक बहुत ही आवाम का मसला था बिजली के बारे में। 20-20 घंटे बिजली बंद रहती थी, कहीं आती थी तो वो लोड नहीं थी पूरा होता। इस मौके पर चेयरमैन मियां कासिम फारूक भी मौजूद थे। रुकन कौमी असेंबली का कहना था कि उन्होंने हलके में तरक्याती कामों का जाल फैला दिया है। यूं तो काम हर हलके में हुआ है, मगर उनके हलका NA-80 में सबसे ज्यादा तरक्याती काम किए गए हैं। दूसरे MNA-MBA के भी बहुत काम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सड़कों का NA-80 में काम। रुकन कौमी असेंबली मियां मोहम्मद फारूक ने दावा किया कि 2018 में लोड शेडिंग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41।